डियर स्टूडेंट आरसीआई एजु हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, आपने पढ़ लिया था टॉपिक के अंदर सहसंयोजक बंधों के मध्य जो सिग्मा और पाई बंध बनते हैं ओवरलैपिंग के दौरान, तीनों ही प्रकार की जो ओवरलैपिंग थी, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों में संकरण एवं उनकी आकृतियां। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा कार्बनिक यौगिकों में संकरण व उनकी आकृतियां। कार्बनिक यौगिकों में संकरण एवं उनकी जो आकृतियों की बात करेंगे, यहां से कौन कौन से यौगिकों के अंदर देखेंगे अपन, एल्केन। मैं यहां पे बता देता हूं, एल्केन नंबर 2 पे एल्कीन है, नंबर 3 पे बात करूंगा एल्काइन। इन कार्बनिक यौगिकों में संकरण है उनकी आकृतियों की बात करें, एल्केन के अंदर, एल्कीन के अंदर और एल्काइन के अंदर। यहां से क्या होता है, एल्केन जो पहली बात कर लेता हूं, इनका सामान्य सूत्र, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n+2 क्या कहलाता है, एल्केन। इसका जो एल्कीन है इसका मतलब होता है CnH2n, और एल्काइन जो है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन का क्या होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। अब इसका जो प्रथम सदस्य होता है, फर्स्ट मेंबर की बात करें इनके, प्रथम सदस्य एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है वो कौन होता है, CH4। इसका प्रथम सदस्य कौन होता है, C2H4, और इसका जो प्रथम सदस्य होता है वो C2H2। इसका मतलब यहां पे CH4 का मतलब ये क्या है, यहां पे मेथेन। इसका मतलब यहां पे ये है एथीन, और C2H2 का नाम होता है एथाइल। नंबर 3 पे बात करेंगे संकर, यानी कि एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डेड। तो एल्केन में कैसा संकरण देखने को मिलता है, sp3 संकरण। इसमें संकरण कौन सा मिलता है, sp2 संकरण। यहां पे कौन सा संकरण होता है, sp संकरण, यानी sp3, sp2 और sp संकरण। सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या, यहां से बात करेंगे सिग्मा बंधों की संख्या। एल्केन जो होता है इसमें चारों की इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वे वो कैसी होती है एल्केन की, इसका मतलब चारों इस प्रकार से लिखे होते हैं H, H, H। तो यानी सिग्मा बंधों की संख्या यहां पे क्या है, 4 सिग्मा बंध। C2H4 का मतलब होता है यहां पे CH2, यानी कि C डबल बॉन्ड C, इस प्रकार से लिख सकता हूं इसको। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा। तो यानी कि यहां से डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 5 सिग्मा। ऐसे यहां पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे H, यहां पे H, 1, 2, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई। तो यानी टोटल सिग्मा कितने हो जाएंगे, 3 सिग्मा। तो यहां पे समझने के लिए ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा, डबल बॉन्ड जो होता है, अगर आपको डबल बॉन्ड नजर आता है तो डबल बॉन्ड का मतलब यहां पे क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई माना जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहां से क्या समझना है आपको, एक सिग्मा और 2 पाई। क्लियर है डियर स्टूडेंट, जब भी आप कार्बन कार्बन के बीच में यदि एकल बंध नजर आ रहा है सिंगल बॉन्डेड को क्या कहेंगे, एक सिग्मा। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, एक पाई। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसका मतलब एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई होता है। तो क्लियर है डियर स्टूडेंट, देखिए यहां से इसमें सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है, 4, इसमें कितनी होती है, 5, और इसमें सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है, 3। ऐसे ही यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं पाई बंधों की संख्या, पाई बंधों की संख्या। अब पाई बंधों की संख्या यहां से
देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड, क्योंकि सारे के सारे एकल बंद है तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, वन पाई। ऐसे यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं पाई, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, टू पाई, यानी जीरो। एल्कीन में तो जीरो होता है, एल्कीन में वन, और एल्काइन में क्या होता है, दो पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं। उसके बाद में आकृति, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे आकृति। आकृति sp3 जो संकरण होता है उसकी जो आकृति होती है वो कैसे बनती है, चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय आकृति कैसे बनेगी इसकी, चतुष्फलकीय। sp2 संकरण की जो आकृति होती है वो कैसे होती है, त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल। तो sp जो संकरण है उसकी जो आकृति होती है वो कैसे बनती है, रेखीय। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है शॉर्टकट में, यहां से जेड ICR वगैरह के अंदर नीट IIT में भी हमसे क्वेश्चन आते हैं कि यौगिक आपको दिया जाएगा, उस यौगिक के अंदर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित यौगिक में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे कहते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन परमाणु जो है उसकी संकरण अवस्था को दर्शाइए। तो यहाँ से क्लियर है, तो कार्बनिक यौगिकों में संकरण और उनकी आकृति, प्रथम सदस्य एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की है, तो एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य वो मैथेन होता है, इसका एथीन होता है और इसका एथेन। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, सी एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n। ऐसे एल्काइन जो होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य वो कौन होता है, मैथेन। ऐसे एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होता है, एथेन, और एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है एथेन। संकरण की बात कीजिए, एल्कीन में संकरण कौन सा होता है, sp3। एल्कीन में कौन सा होता है, sp2। एल्काइन में कौन सा होता है, sp7। एल्कीन में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है, 4। एल्कीन में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है, 5। और एल्काइन में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है, 3। ऐसे ही पाई बंधों की संख्या एल्कीन में 0 होती है, एल्कीन में पाई बंधों की संख्या 1 होती है, और एल्काइन में पाई बंधों की संख्या 2 होती है। एल्केन जब sp3 जब संकरण होता है उसकी आकृति कैसे होती है, चतुष्फलकीय। sp2 संकरण जो होता है उसकी आकृति कैसे होती है, त्रिकोणीय समतल। और sp जो संकरण होता है उसकी आकृति कैसे होती है, रेखीय। तो क्लियर है डियर स्टूडेंट, तो यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पुट अप होता है, देखिएगा यहां से मेरा ये है, यहां पे निम्नलिखित यौगिकों में, निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन परमाणु का संकरण व उनकी आकृति बताइए। आपके पास कोई कंपाउंड दे दिया जाए और उस कंपाउंड के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, संकरण पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में कौन सा संकरण है, और संकरण के थ्रू उस कंपाउंड की जो आकृति है वो किस प्रकार की है। तो आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट दे रखा है आपको टू एग्जांपल है आपके पास CH3F, यानी CH2 डबल बॉन्ड O CH3F, और यहाँ पे नंबर थर्ड पे दे रखा है आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यानी निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन परमाणु का संकरण एवं उनकी आकृति बताइए। तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो कार्बन है इसका जो आंसर निकालना है आपको, तो ये जो कार्बन है देखो ये कार्बन कौन से डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, यानी और डबल बॉन्डेड कार्बन यानी द्विबंध है, द्विबंध में कौन सा संकरण होता है, sp2 या फिर CH2 डबल बॉन्ड O, तो कह सकता हूं sp2 संकरण, कौन सा संकरण है, sp। आकृति कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय समतल, तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय समतल। ऐसे ही नंबर 2 पे देखो CH3F, तो
ये कार्बन है, देखो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और यहां क्लोरीन भी क्या है सिंगल, तो कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्डेड है, तो एकल बंध जो होता है सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड का मतलब यहां पे क्या है एल्केन, और एल्केन में कौन सा संकरण होता है यहां से sp3 संकरण, और sp3 जो संकरण है उसकी आकृति कैसी बनती है चतुष्फलकीय बनती, चतुष्फलकीय ऐसे ही यहां से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो यहां पे ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, तो ये कार्बन भी किससे जुड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड से, तो इसका मतलब संकरण कौन सा है sp संकरण। आकृति कैसी हो जाएगी यहां से रेखीय, क्लियर है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन परमाणु का संकरण और उनकी आकृति बताइए, तो कर सकते हैं ऐसे ही आपसे देख दे कि निम्नलिखित दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां से जनरेट इस प्रकार से कह दे, सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिख दे निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा व पाई बंधों की संख्याएं बताइए, क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा व पाई बंधों की संख्या बताइए, तो एग्जांपल दे रखा है आपके पास C2H, पहला एग्जांपल कौन सा है आपका C2H, नंबर टू में दे रखा है आपको ये वाला एग्जांपल, नंबर थर्ड पे दे रखा है आपको ये वाला एग्जांपल, नंबर फोर्थ पे दे रखा है आपको साइड, यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा एवं पाई बंधों की संख्याएं बताइए, तो देखिए यहां से मैंने यहां से इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड जो आपको क्लियर एकल बंधित है उनको सिग्मा बॉन्ड छुपे हुए को आप खोल के लिख सकते हैं, और एक डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा मानना पड़ेगा और एक क्या है पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो क्या होते हैं पाई, तो मैं इसको बता देता हूं सॉल्व करके बता देता हूं सॉल्यूशन क्या हो जाएगी इसका, देखो C2H2 इसका मतलब यहां पे कैसे लिख सकते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहां पे एच और यहां पे एच, देखो यहां पे कार्बन चार बॉन्ड बना रखा है और यहां पे भी कार्बन चार, देखो एक और दो ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है, दो तो सिग्मा ये हो गए और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है एक सिग्मा, तो टोटल कितने हो गए तीन सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में पाई कितना होता है तो दो पाई, तो इस यौगिक के अंदर C2H2 जो है उसमें कितने सिग्मा और पाई हो जाएंगे तीन सिग्मा और दो पाई, ऐसे ही इस वाले कंपाउंड को आप सॉल्व करना चाहें, देखो यहां पे जहां पे कॉर्नर है यहां पे क्या मानना पड़ेगा आपको कार्बन, यानी लाइन का किनारा जहां पे काटेगा वहां पे कार्बन परमाणु की उपस्थिति को माना जाता है, तो देखो यहां पे कार्बन कितने, और मैंने शुरुआत में पढ़ाया था वान ठाकुर लिबेल के अनुसार जो कार्बन परमाणु है आपका वो कितने बॉन्ड बनाता है चार, तो देखो ये कार्बन है दो तो ये बना रखा है तीसरा यहां पे फ्री वैलेंसी पे क्या जुड़ रहा है यहां पे हाइड्रोजन, ऐसे 2 3 यहां पे क्या जुड़ा हुआ है H, 2 3 यहां पे भी H है और यहां पे भी क्या है H, तो अब आपको देखना सिंगल बॉन्डेड स्पष्ट कितने नजर आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 ऐसे ये रहा सिंगल बॉन्डेड 5 और ये 6 तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, एक डबल बॉन्ड ये रहा 7 और एक डबल बॉन्ड ये रहा 8, यानी देखो 1 2 3 4 5 6 और एक इसका और एक इसका 7 8, तो 8 तो क्या हो जाएंगे यहां पे 8 सिग्मा और पाई कितने हो जाएंगे, देखो स्पष्ट नजर आ रहा है एक ये रहा और दूसरा ये रहा 8 सिग्मा 2 पाई, इसका क्लियर है आपसे, ऐसे ही आप सबके पास ये वाला यौगिक के बेंजीन बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है बेंजीन, बेंजीन में पूछ ले आपसे इसको क्या करो आप देखो कार्बन यहां पे कार्बन यहां पे कार्बन यहां पे कार्बन यहां पे कार्बन और यहां पे कार्बन, तो देखो यहां पे डबल ये रहा तीसरी वैलेंस, तो यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं, यहां से H जुड़ा हुआ है यहां से भी क्या है H, कार्बन की वैलेंस पूरी कर ले चार ये H, तो अब आपको देखो स्पष्ट जो सिंगल बॉन्डेड है यहां पे सिंगल बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6 तो स्पष्ट नजर आ रहा है, देखो 7 ये 8 और 1 9 9 तो आपको स्पष्ट सिंगल बॉन्डेड है,
अब डबल बॉन्ड में भी एक क्या होता है सिग्मा, तो एक डबल बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तो यानी कितने डबल बॉन्ड है, तीन, नौ पहले के, नौ और तीन बारह, सिग्मा कितने हो जाएंगे यहाँ पे, बारह सिग्मा, तो पाई कितने हो जाएंगे देखो, एक दो तीन, तो तीन पाई, क्लियर है डियर स्टूडेंट। ऐसे ही यहाँ से इस योगिक के अंदर आप सिग्मा और पाई की बात करें तो इस योगिक का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, साइनाइड नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, तीन, तो देखिए यहाँ से कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन, देखिए यहाँ से दो बॉन्ड बना रखे, इसको हमने दो वैलेंसी फ्री है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना रखा है, इसको मतलब कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, यहाँ पे वन टू थ्री, यानी कि एच, यहाँ पे एच एच एच, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एच, ये क्या हो जाएगा एच एच एच, यहाँ पे देखो वन टू थ्री, यहाँ पे क्या है एच, तीन और एक चार, यहाँ पे कुछ भी नहीं जुड़ेगा, यानी ये वाली स्थिति है। अब इसके अंदर टोटल देखिए, टोटल जो हाइड्रोजन वाले गिनने पहले सिंगल बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह तो आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, सोलह के बाद में ये अंदर वाले देखिए, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस तेईस, उसके बाद में यहाँ पे चौबीस, यहाँ पे क्या है पच्चीस और ये क्या है आपका छब्बीस, ठीक है छब्बीस, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा सत्ताईस, और एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 28, तो क्या हो जाएंगे सिग्मा, और पाई देखो आपके पास पाई, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, दो पाई, यानी 28 सिग्मा और दो पाई हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से क्लियर है, तो यदि आपको कोई यौगिक दे दिया जाए उस यौगिक के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि यौगिक के अंदर सिग्मा और पाई बंधों की संख्या क्या आते कीजिए, तो इस प्रकार से आपको सिग्मा और पाई बंधों का कैलकुलेशन करना है। तो डियर स्टूडेंट क्लियर है यहाँ से, तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है, थैंक्स।